कल रात को ये ट्वीट मेरे सामने आया था। अब जिस अकाउंट ने ये ट्वीट किया था, जिस हैंडल से ये ट्वीट हुआ था, मैंने उसकी आइडेंटिटी छुपा दी, क्योंकि वो एक जुबिनाइल है, बच्ची है, एक 14-year-old किड। सोचो कि 14 साल की बच्ची ये सब बोल रही है मेल प्रिविलेज के बारे में, कि लड़के रात को 2 बजे बाहर जा सकते हैं अपने घर से, एंड दैट इज़ अ मेल प्रिविलेज। अपने बायो पे शी हर भी लगा के रखा है। 14 साल के बच्चे को प्रोनाउन के बारे में क्या पता, और मेल प्रिविलेजेस के बारे में क्या पता? उसका दिमाग अभी तक डेवलप ही नहीं हुआ कि रैशनली वो कुछ किसी चीज़ को अप्रोच कर सके। रात को 2 बजे जाना प्रिविलेज होता है? कोई भी शरीफ इंसान रात के 2 बजे बाहर नहीं जाता, अनलेस कोई इमरजेंसी हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर कोई और हो। एंड नोबडी इज़ इम्यून टू क्राइम्स, किसी के साथ भी हो सकता है क्राइम। रात के 2 बजे जब आप बाहर जाते हो, कोई भी जाओ, लड़का जाए या लड़की जाए, वो अपने पर्सनल रिस्क पे ही जा रहा है। रात के 2 बजे जब आप बाहर जाते हो, अगर लड़की जाती है तो उसके साथ भी क्राइम हो सकता है, लड़के जाते हैं तो उसके साथ भी क्राइम हो सकता है। क्राइम की इंटेंसिटी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी दोनों की ही है कि उनके खिलाफ क्राइम हो सकते हैं। लेकिन फिर भी ये लोग ये सब बातें करते हैं, ये छोटे बच्चे कहाँ से आता है इनके दिमाग में ये सब? ये जितने भी शी हर वाले हैं, शी हर प्रोनाउंस वाले जितने भी है वोक्स ट्विटर पे, सबके बायो चेक करो, वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा। और इंस्टाग्राम क्या होता है? इंस्टाग्राम वोक फैक्ट्री है। यहाँ पे इतने बड़े बड़े हैंडल है, IGTV हो इनका या फिर वो हो, जो भी हो, इतने फॉलोअर्स हैं इनके। एक साइडेड, वन साइडेड नैरेटिव्स दे आर पुशिंग। एक साइडेड नैरेटिव पुश करके इन लोगों का ब्रेन पूरा, एकदम रैशनैलिटी इनका पूरा हाईजैक कर लिया है, कि बंदा जब कुछ बोल रहा है, ये स्टेटमेंट दे रही है, ये आर्गूमेंट नहीं दे रही है, ये स्टेटमेंट है। क्योंकि अगर इससे जब आप पूछोगे, मैंने पूछा था, फिर ब्लॉक कर दिया मेरे को, जब आप इसको पूछोगे कि बताओ कि 2 बजे बाहर जाना कैसे मेल प्रिविलेज है, तो आपको ये ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि रैशनल आर्गुमेंट इनके बस की बात नहीं है। जब इनके जो इनके टीचर्स हैं, जो इनको सिखाते हैं ये वोक लिटरेचर पढ़ पढ़ के, जो ये सब ये लोग बकते हैं ट्विटर पे आके बच्चे, जब उनके सीनियर्स नहीं डिफेंड कर पाते, तो ये कहाँ से डिफेंड करेंगे? और जब आप इससे कुछ पूछ लोगे, या तो ये आपको ब्लॉक कर देंगे, या फिर कोई एक गाली दे देंगे, या फिर विक्टिम प्ले करना शुरू कर देंगे। यूजुअल बिजनेस है इन लोगों का। छोटे छोटे बच्चों को ये लोग ऐसे ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ताकि अपना जो वाइडर पॉलिटिकल एजेंडा है उसको सूट कर सके, एक वोट बैंक बना सके, और अपने लिए और ज़्यादा प्रिविलेज स्टेट के तरफ से ले सके। और इनका फर्स्ट टारगेट, एज यूजुअल लाइक एवरी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, इनका फर्स्ट टारगेट बच्चे होते हैं।